अपने पूरे परिवार के या सभी दोस्तों के साथ ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको एक ऐसी 7-सीटर जो स्पेशियस और कंफर्टेबल तो हो ही, लेकिन आज के ज़माने में उसका सेफ और उसमें अच्छे फीचर्स होना भी बड़ा ज़रूरी है। और जब ये सब हम एक बजट में ढूंढते हैं तो ऑफकोर्स सबसे पहला नाम ध्यान में आता है टोयोटा अर्टिग, मेरा मतलब रूमियन, रूमियन का। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ट्राइवर इससे भी कम बजट में अपने अपडेट के बाद बेटर सेफ्टी और फीचर्स दे रही है। तो क्या मतलब है कि वो एक ऑब्वियस चॉइस है इसके ऊपर, या फिर आज भी ट्राइवर में कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस हैं जो कि रूमियन को एक बेहतर एमपीवी बनाते हैं? सवाल बहुत हो गए, चलिए साथ मिलकर जवाब ढूंढते हैं इस रिव्यू में। रूमियन की चाबी बड़ी छोटी सी और पॉकेट में आसानी से फिट आ जाती है। वहीं पे ड्राइवर की चाबी एक क्रेडिट कार्ड के साइज की है और थोड़ी मोटी भी है, तो जब आप इसको पॉकेट में रखते हैं और कोई और भी सामान होता है तो ये थोड़ी ज़्यादा फील होती है और अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन इस चाबी का एक बड़ा एडवांटेज है और वो ये कि जब आप इसको लेके अपनी ड्राइवर के पास जाते हैं तो गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है, और जब आप गाड़ी को बंद करके उससे पीछे आते हैं तो वो अपने आप लॉक हो जाती है। इस फीचर का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है और ये बड़ा ही कन्वीनियंट भी है। ड्राइवर साइज में रूमियन से छोटी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे वो SUV जैसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑल अराउंड बॉडी क्लैडिंग, ड्यूअल टोन पेंट स्कीम और रूफ रेल्स। इस वजह से अपनी रोड प्रेजेंस को इम्प्रूव कर पाती है। बात रूमियन की करें तो वो अपने MPV होने में ही खुश है और बड़ी एलिगेंट लगती है। एलिमेंट्स की बात करें तो दोनों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और जहाँ ड्राइवर में LED DRLs हैं वहीं पर आपको रूमियन में फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। और रूमियन में जहाँ आपको 15-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं मैं ट्राइबर पे आपको 15-इंच के अलॉयस जैसे दिखने वाले व्हील्स मिलते हैं। इन दोनों में से आपको कौन सी पसंद आई लुक्स में, बताइए हमें कमेंट्स में। सारी सीट्स के पीछे की बूट स्पेस अगर देखें तो ट्राइबर में आप सिर्फ लैपटॉप बैग वगैरह ही रख पाएंगे, वहीं पे रूमियन में सारी सीट्स के पीछे भी आप छोटे सूटकेसेस रख सकते हैं, और ये वाकई ही बड़ी इम्प्रेसिव बात है। अगर थर्ड रो को फोल्ड कर दें तो दोनों में आपको एक फ्लैट फ्लोर मिल जाता है और बे इंतहा लगेज आप दोनों के अंदर ही रख सकते हैं। बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की तो ड्राइवर में आप सीट्स को फ्लिप अप कर सकते हैं या फिर कम्प्लीटली हटा के बाहर भी रख सकते हैं, ताकि बहुत सारी जगह आपको मिल जाए सामान रखने की। और वहीं पर रूमियन में आपको एक फॉल्स फ्लोर मिल जाता है जिसके नीचे आप और भी सामान स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि टायर इन्फ्लेटर और सफाई का सामान, या फिर उसको हटा के आप वहाँ पे लंबे और बड़े सूटकेसेस को भी रख सकते हैं। यहाँ पे रूमियन डेफिनेटली बेटर है। डैशबोर्ड के ऊपर प्लास्टिक की क्वालिटी, टेक्सचर और लेआउट यहाँ पे ज़्यादा एलिगेंट फील होता है, और इसके अलावा बटन्स की क्वालिटी और स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ड्राइवर में भी ये सब कुछ ख़राब तो नहीं है, लेकिन उसको देख के समझ आता है कि ये एक बजट पे बनाया गया है। फ्रंट सीट्स की मैं अगर बात करूं तो वो भी रूमियन की डेफिनेटली ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसकी बोल स्ट्रिंग, उसकी कुशनिंग ज़्यादा सपोर्टिव फील होती है, और हाँ, दोनों ही गाड़ियों में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी मिल जाती हैं, तो एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन में आना हार्ड नहीं होने वाला है। फ्रंट आर्मरेस्ट लेकिन ड्राइवर का ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। 10 लाख के अंडर ड्राइवर आपको सबसे प्रैक्टिकल कैबिन ऑफर करती है। यहाँ पे स्टोरेज तो इतना है कि आपका सामान कम पड़ जाएगा, लेकिन जगह नहीं। शुरुआत करते हैं इसके सेंटर कॉन्सोल से, तो वहाँ पे भी एक डीप स्टोरेज मिल जाता है जिसमें एक वायरलेस चार्जर को रखा गया है, और उसके ऊपर एक सेलफोन ट्रे भी मिल जाती है। अब टेक्निकली जो वायरलेस चार्जर है वो ऊपर आना चाहिए था, ताकि जो बीच वाली ट्रे है उसमें जगह बरकरार रहे। कोई बात नहीं, फिर भी आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक बीच में कूल स्टोरेज मिल जाता है, 2 ग्लव बॉक्स हैं ऊपर और नीचे, और इसके अलावा बड़े डोर पॉकेट्स भी दिए गए हैं। सेकेंड रो में लेकिन आपको सिर्फ डोर पॉकेट्स और सीटबैक पॉकेट ही मिलती है, और यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट की और उसमें कप होल्डर्स की कमी ज़रूर महसूस होगी। थर्ड रो की बात करें तो वहाँ पे भी फ़ोन या वॉलेट रखने की ही जगह मिलती है। रूमियन का कैबिन भी प्रैक्टिकल तो है, बस ड्राइवर जितना नहीं। यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में एक अच्छा बड़ा स्टोरेज मिल जाता है, जिसके सामने 2 बड़े कप होल्डर्स हैं जो कि कूल्ड भी हैं। स्टेयरिंग के राइट में आपको चेंज वगैरह रखने की जगह मिल जाती है। डोर पॉकेट यहाँ पे बहुत अकोमोडेटिंग है, ग्लव बॉक्स अच्छे साइज का है, लेकिन हाँ, जो इसका अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज है वो कुछ उतना खास नहीं। सेकेंड रो में आपके पास डेडिकेटेड फोन रखने की जगह मिल जाती है, सीट बैक पॉकेट्स हैं, जो डोर पॉकेट्स हैं वो भी अच्छे साइज की हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट तो मिल जाएगा, उसमें कप होल्डर्स नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं थर्ड रो की, तो अच्छी बात यह है कि वहाँ पे भी दोनों पैसेंजर्स के पास अपने डेडिकेटेड कप होल्डर्स हैं। तो ओवरऑल ड्राइवर की फ्रंट रो डेफिनेटली ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन सेकेंड और थर्ड रो में बाजी रूमियन मार जाती है। फीचर्स के मामले में दोनों में कड़ी टक्कर तो है, लेकिन रूमियन थोड़ी बेटर है। इसमें आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, एक कलर्ड MID,
एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो कि वायरलेस है, एक 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक और क्रूज कंट्रोल। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है इसके सीट बेल्ट अलार्म की। अब इसमें सातों सीट्स के लिए सीट बेल्ट वार्निंग तो दी गई है, लेकिन वहाँ पे लोड सेंसर्स नहीं है। तो अगर आप गाड़ी में अकेले बैठे हैं, बाकी की 6 सीट पे कोई नहीं बैठा है, तब भी उनकी सीट बेल्ट लगा के रखनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर जो लास्ट रो है उसको फोल्ड किया हुआ हो, तो वहाँ तो आप सीट बेल्ट लगा नहीं सकते, तो 1.5 मिनट तक गाड़ी आवाज़ करती ही रहती है। ये बहुत ही इरिटेटिंग बन जाता है, खासकर जब आपके गेस्ट आपकी गाड़ी में बैठे हो, आपसे पूछते रहते हैं कि आपकी गाड़ी आवाज़ क्यों करती है, और आपको उनको बार बार समझाना पड़ता है। टोयोटा, लगाओ ना यार लोड सेंसर्स प्लीज़। ट्राइबर में भी कुछ यूनिक फीचर्स आते हैं, जैसे कि एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम, एयर प्यूरिफायर और वायरलेस चार्जर। लेकिन हाँ, यहाँ पे एसी मैनुअल है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायर्ड है, और स्पीकर भी सिर्फ 4 ही हैं। सेकेंड रो कंफर्ट की बात करें तो रूमियन आगे है। इसकी जो सीट्स की कुशनिंग है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, पैडिंग ज़्यादा अच्छी है, और सीट्स अपने आप में ज़्यादा बड़ी हैं, तो ये ज़्यादा सपोर्टिव भी फील होती हैं। और फाइनली ये सीट्स थोड़ी ऊपर भी माउंटेड है, तो यहाँ आपको अंडर साइड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अब बात करें ड्राइवर की, तो वहाँ पे कुशनिंग की थोड़ी कमी महसूस होती है। हाँ, वो सीट्स भी कंफर्टेबल तो हैं, लेकिन रूमियन के कंपैरिजन में थोड़ी पीछे रह जाती हैं। स्पेस की बात करें तो दोनों गाड़ियों में वो लगभग सेम मिल जाती है, सीट्स रिक्लाइन भी होती हैं, स्लाइड भी होती हैं, तो आप उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। सेकेंड रो में एसी वेंट्स दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, और जहां ट्राइबर में उनको बी पिलर पे माउंट किया गया है, वहीं पे रूमियन में उनको रूफ पे दिया गया है। दोनों के अंदर आपको फैन कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। इफेक्टिवनेस की बात करूं तो जो ब्लोअर की स्पीड है वो रूमियन की बेटर है। थर्ड रो में जाना ट्राइबर के अंदर ज़्यादा आसान है। जो उसकी साइड की सीट है वो टम्बल और फोल्ड हो जाती है, तो वहाँ पे आपको एक्सेस अच्छा मिल जाता है। हालांकि उन सीट पे जाके बैठने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि वो बहुत नीचे हैं, तो आप नीज अप बैठते हैं, वहाँ पे आपको सपोर्ट भी थोड़ा कम मिलता है, सीट्स रिक्लाइन नहीं होती हैं, और फुट रूम भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज है। बात नी रूम की हो तो वो तो आप सेकेंड रो को स्लाइड करके या रिक्लाइन थोड़ा कम करके एडजस्ट कर ही लेंगे। बाहर की विजिबिलिटी यहाँ पे भी अच्छी मिलती है, तो भाई अगर यहाँ पे बच्चे बैठने वाले हैं तो वो तो कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन एडल्ट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी आपको ड्राइवर में रूफ माउंटेड डेडिकेटेड एसी वेंट्स मिलते हैं। रूमियन में पीछे वाली सीट पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी वो जो सीट है सेकेंड रो की वो टम्बल और फोल्ड नहीं होती है, सिर्फ रिक्लाइन होकर स्लाइड ही होती है। लेकिन एक बार आप उन सीट्स के ऊपर पहुँच गए तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो सीट्स ज़्यादा बड़ी हैं, उनकी कुशनिंग बेटर है, वो रिक्लाइन भी हो जाती हैं, और वहाँ पर आपको फुट रूम भी अच्छा मिलता है। इनफैक्ट सेकेंड रो को बिल्कुल पीछे करने के बाद भी यहाँ पे आपको बेटर नी रूम मिल जाता है, और क्योंकि उसका कैबिन ज़्यादा ब्राइट है, यहाँ बैठ के ज़्यादा खुला खुला भी फील होता है। ये सीट्स एडल्ट्स के लिए भी यूजेबल हैं। 1.5 लीटर इंजन वर्सेस 1 लीटर, 4 सिलेंडर वर्सेस 3 सिलेंडर, 103 पीएस वर्सेस 72 पीएस, ये कभी भी एक कॉन्टेस्ट नहीं होने वाला था। रूमियन का इंजन ज़्यादा रिफाइंड है, पावरफुल है, परफॉर्मेंस बेटर है, और ज़्यादा अच्छी ड्राइवेबिलिटी भी ऑफर करता है। इनफैक्ट जब आप 7 जनों को भी गाड़ी में बिठा दो तो ये इंजन आपको कभी भी वो स्ट्रगल करने वाली फीलिंग नहीं देता, और हाईवेज पे भी बड़ा स्मूथली चलता है। सिटी के अंदर ओवरटेक्स करना आसान है, और इसके अंदर जो ऑटोमेटिक आता है वो भी एक प्रॉपर 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, तो आपको हिल स्टेशंस पे भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। प्लस इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आ जाते हैं, तो क्विक गियर चेंजेस भी यहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ड्राइवर की भी यहाँ पे तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। इसका 1 लीटर इंजन इसको बहुत अच्छी ड्राइवेबिलिटी ऑफर करता है। सिटी के अंदर ही गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी स्ट्रगल फील नहीं होता, इनफैक्ट ये काफ़ी क्विक फील होती है। 7 जनों के साथ भी इसमें आप सिटी में ओवरटेक्स कर पाएंगे, और कहीं पे भी ये गाड़ी स्ट्रगल करने वाली फीलिंग नहीं देती है। वो आती है लेकिन हाईवे के ऊपर, जब आप वहाँ पे जा रहे होते हैं तो गाड़ी में ओवरटेक्स करने की पावर नहीं बचती है, और अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे तो स्ट्रगल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से इसमें जो ऑटोमेटिक आता है वो भी एक AMT है, और वो तो काफ़ी स्लो है, तो वो कम्यूटिंग के हिसाब से ही ठीक है। रूमियन ड्राइवर से ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसका जो सस्पेंशन सेटअप है ना वो बहुत ही स्मूथ है। ख़राब सड़कों पे जा रहे हो, गड्ढों पे जा रहे हो, पैसेंजर्स को कुछ पता ही नहीं लगने देता। इनफैक्ट ख़राब रास्तों पे तो पैसेंजर्स को पता भी नहीं चलेगा कि नीचे का हाल कितना ख़राब है। लेकिन हाँ, जब लोड गाड़ी में बढ़ने लग जाता है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो बस आपको थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा, नहीं तो वो झटके ज़्यादा आसानी से फील होने लगेंगे। अब ड्राइवर भी कंफर्टेबल तो है, और इसका सस्पेंशन भी आपको अच्छे से इंसुलेट करता है रोड की ख़राब चीज़ों से, लेकिन यहाँ पे गड्ढे हमेशा ज़्यादा फील होते हैं।
जब लोड बढ़ जाता है तब भी कैबिन में थोड़ा मूवमेंट आता है, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ख़राब सड़कों पे जाते हुए गाड़ी की स्पीड को और धीरे करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, सिटी के अंदर रेगुलर स्पीड पे ये भी आपको कंप्लेंट करने का मौका नहीं देगा। ट्राइबर रोमियोन से काफ़ी सस्ती है। इनफैक्ट ट्राइबर का जो टॉप वेरिएंट है वो ऑन रोड रोमियोन के बेस वेरिएंट के एक शोरूम प्राइस से भी कम है। उनके टॉप वेरिएंट्स में देखें तो लगभग 5 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ट्राइबर के पास, क्योंकि इतनी सस्ती होते हुए भी, पूरा एक सेगमेंट नीचे होते हुए भी, इन सारे एस्पेक्ट्स में जो कि हैं स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और कम्फर्ट, वो रोमियोन के इतने करीब आ पाती है। ये एक वाकई काबिले तारीफ बात है। ट्राइबर वाकई में एक बेहतरीन गाड़ी है। हर काम, भले ही वो हो स्पेस या प्रैक्टिकलिटी, वर्सेटिलिटी या कंफर्ट या फिर फीचर्स, ये बेहतरीन तरीके से करके आपको इम्प्रेस करती है। और जिस कीमत पे ये सारे काम कर रही है ना, वो इसको बना देता है अनबीटेबल वैल्यू। लेकिन रोमियोन एक बेटर एमपीवी है, भले वो बात हो इसकी ज़्यादा स्पेस, कंफर्ट, एक बेटर इंजन या फिर एक ज़्यादा प्रीमियम कैबिन की, ये अपनी कीमत को ट्राइबर के ऊपर अच्छे से जस्टिफाई करती है। तो भाई, आपके परिवार के लिए रोमियोन ही बेटर गाड़ी होने वाली है। लेकिन अगर आपको एक हैचबैक के प्राइस और साइज में एमपीवी वाली खूबियां चाहिए, तो वो सुपर पावर आज भी ट्राइबर के पास ही है।